आज पुप्पो एक्टिव हुई है रायना जी की। दादो मुझे भी चाहिए थी। सना तो नहीं है, खुद बना के देने की बजाय। नहीं मैं बना के देती हूँ ना, कि राज मेरे सारा दिन पी नहीं ना, और ना मैं खुद इसको बना के पीती। लेकिन दादो बहुत मजे की चाय बनाती हैं। उस तब ना आपकी मामा भी बड़ी मजे की बनाती हैं। तब ना क्या था ना, शायद मेरी तबीयत खराब थी। हाँ। मुझे ना सर्दी लग गई थी। हाँ। ये भी कुछ दिनों पहले। हाँ। तो ना दादो मैं मामा वहां गई हुई थी चाचीगढ़, तो मैं खुद तो खाना खाती नहीं, तो दादो ने खाना बना के दिया, साथ चाय का कप बना के दिया, मुझे खाना खिलाया, फिर मेरे पास ही बैठ गए, फिर मुझे सारा तेल बॉडी पे मला, फिर कोई सुकून मिला। दादो बहुत केयरिंग है। मैं तो जब 7 साल की थी ना, तब मेरी दादू अल्लाह पास चली गई, लेकिन मेरी दादी अम्मी की मैं फेवरेट थी। अभी और भी पोतियाँ थी, क्योंकि मेरे अबू तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन कुछ पोते पोतियाँ ज़्यादा नज़दीक होते हैं ना, तो मैं नानों के घर रहती थी ना, देर बाद आती थी, फिर मेरी दादू का भी मेरे साथ बड़ा था। दादू का सबसे ज़्यादा मीरल से है। वो तो दोतों में आ जाती है ना, पोते पोतियों का। अच्छा फिर तो मैं मतलब जो बेटे के बच्चे होते हैं। अच्छा वैसे माओ को अपने बेटों के बच्चों से क्यों प्यार होता है इतना? अच्छी बात होती है ना, क्योंकि वो पास रहते हैं। नहीं पास तो सारे रहते हैं, पर बच्चों के बच्चों से क्यों प्यार होता है? गद्दी बच्ची वो वैसे नेचुरल ये चीज हो जाती है ना, जब आप दादो बनाओगे ना फिर आपको समझ आ जाएगा। इतना लंबा इसी तरह देखो, आप अपने माँ बाप के पास रहते हो ना, जब आपकी शादी हो जाती है ना, फिर आपको वही माँ बाप जो है वो ज़्यादा याद आते हैं। आपका दिल करता है कि आप माँ बाप को भी पास जाओ, उनसे बात। ये भी नहीं पढ़ता कौन तो नहीं पढ़ता है ये, अब मुईज जितना मेरे ख्याल में है ना, वो आप जितना दादा बू का ज़्यादा उसके साथ है। किसके साथ? मूसा के साथ। इसके साथ भी बहुत है ये मेरे शियार नहीं है। वो जो मूसा की नेचर वाला किस तरह की, अपनी मामा की तरह जो हसीब की नेचर है ना, ये बहुत अच्छे ये भला की करता है। मतलब कि अगर कोई चीज खा रहा है ना, सबके साथ शेयर करनी है, अकेले नहीं खानी, मतलब अपने हिस्से की चीज भी किसी को दे देगा। अच्छा। वो जो मूसा ना अगले किसी की भी चीज खा लेगा, लेकिन अपनी चीज किसी को नहीं देगा। मुझे तो वो भोला भाला लगता है। ये आपकी भूल है कि वो भोला भाला का सूट सवाया मैं नहीं, वो बस तोतला है, लेकिन भोला भूला कौन नहीं है। वो आप लोगों का वो चाचा पतरी वाला प्यार है ना, इस वजह से। नहीं चाचा पतरी चाचू लगा ना आपका। हाँ, वो तो है बहुत अच्छा मोटू चाचू हसी बहुत अच्छा मूसा से। ये ज्यादातर इसके मुईज के साथ ही होता है ना, मैंने आज गौर से देखा है इसको। नहीं हसीब की नेचर बहुत अच्छी है, इससे एक दफा चीज मांगो ना, इसे 1000 दफा देनी है, और उसे 1000 दफा मांगोगे वो 1 दफा भी देगा। वो आयशा के बच्चों को बड़ा उठा, अभी भी उठाता है। कौन? काका। उसने गिराया नहीं था अली को? अली को गिराया? अब नहीं पकड़ता वो, चाची ने उसको 1 दफा घर से निकाला ना, तब से वो गया ही नहीं है उनके घर। उस दिन उनके घर गया, चाची ने उसको घर घुसने दिया, चाची कहते दफा हो जाओ अपने घर, तो उसने घर आके अपने पापा को बताया, पापा ने उसके बाद उसको बुझाने नहीं दिया। दादा वो कब आया? मेरे ख्याल से एक हफ्ता हो गया होगा। गई थी मिलने? अबू भी आए थे। अच्छा। अंकल आए वैसे ना मिलने, पुप्पो ने भेजा था, तो अंकल हमारे घर ही आए थे ना, तो अंकल कौन? अंकल उफान। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अबू यहाँ आए हुए थे। अच्छा। काफी देर बैठ के गए थे। पतले हुए हैं कि मोटे? पता नहीं, इसका तो मुझे नहीं पता। सही है, लेकिन पहले वाले जन्म में था ना, वो अब नहीं। मैंने अबू को कहा कि अबू अब बूढ़े हो गए हैं। अबू कहते हैं, अबू ने क्या किया, मैं घर रही हूँ, अबू ने क्या किया, कलर शलर लगा के अपने बालों की कटिंग शटिंग करा के, क्रीम श्रीम लगा के, नहा के, परफ्यूम लगा के, तो बैठ के ऊपर बैठ गए। वाह, कहते ये मैं कहती ना, तो अबू ने कौन था मारना, ये तुम क्या कि गई हो, तुम्हारी कहने की देर, अबू तैयार चार हो बैठे बैठे हुए। ऐसे कोई रोटियां पका रहा है ना नीचे, रोटियां खुशबू आ रही है।
कटिंग कहाँ से सारा से करवाई है? फुसा दिया से। बाजी कर लेती है? नहीं, पहली दफा करवाई है। मैंने कहा बस मार दे कैंची। हाँ। मामा को पता ही नहीं था, वो घर गई हुई थी मैं। अच्छा। वहां से जाके कैंची मरवा ली। आप तो कहते हैं मैं वो सारा जब भी आती है उससे कटवाती हूँ। मैं तो से कटवाती हूँ। इस बार मैंने कहा ट्राई करती हूँ, क्या पता उसके मेरे हाल में हाथ के आपके बाल बढ़ते हैं उससे कटवाती है तो। वो सारा से इस बार मैंने वो सारा से भी कटवाया, भर रहे हैं मेरे बाल। हाँ। वो सारा के हाथ की भी मेरे ख्याल से मेरे हाथ सूट उनके हाथ सूट कर दिए मेरे बाल को। हाँ। मेरे बाल लंबे होने लग गए हैं माशाल्लाह, अल्लाह करके मोटे भी हो गए। ये आपके ऐसा बना हुआ है जैसे कैंची बनी हुई है यहाँ पे, ये वाली यहाँ कट वाली जगह। मेरे हस्बैंड की भी है, उनको भी इधर मेरे हमें स्टिचेस लगे थे। मैं शायद गिरी थी छत से, फिर भी बच गई थी। बच गई थी, पता नहीं कितने दफा गिरी हूँ फिर बच जाती हूँ। वो भी पता नहीं कौन गिरा था, मेरे हाल में खुशी गिरी थी कि वो कौन ऊपर से उनके आंटी के बनेरे से, पता नहीं। मेरा तो एक दफा एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। मूसा के साथ बाइक पे, मैं मूसा के साथ गई हुई थी राना बेकरी। हाँ। वहाँ से हमने पिज्जा वगैरह लिया। अच्छा। ले लू के हम घर वापस आ रहे तो हमारा एक्सीडेंट हुआ। बर्थडे वगैरह थी? नहीं वैसे ही। अच्छा। तो सही चलाता है वैसे? पहले नहीं, पहले भी सही चलाता था लेकिन बहुत पहले नहीं था सही चलाता, लेकिन अब सही चलाता है। अच्छा। तो हमारा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद आपको पता मैं कभी बाइक पर नहीं बैठी। मुझे बाइक से बहुत डर लगने लग गया। अब बहुत बुरा एक्सीडेंट किया था मूसा ने मेरा। और आपको पता तब है भी ईद थी ईद के दो हफ्ते पहले उसने मेरा एक्सीडेंट किया था। आप ही नहीं चलता है, मुझे ना बाजी ने बताया। पता नहीं कब की बात है, बहुत देर पहले की बात है वैसे। उस बाइक तो काफी देर का चला रहा है ना, बाजी को भी लेके चला जाता कभी कभार। लेकिन 100 रुपए का ट्रोल भी लेता था। हाँ, पेट्रोल ट्रोल 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 को आगे दो। मुझे तो इस तरह खुरचते ना, मुझे उससे भी बड़ा मजा आता है। अभी परसों गए हुए थे मोबाइल लेने। जी जी जी। अच्छा जी, ओप्पो लेके आए हैं लेकिन उसमें स्पेस ही नहीं है। कौन? मूसा। अपने लिए? हम्म, के बाबा के लिए? अपने नहीं, अपने लिए। ओप्पो लेके आए। ओप्पो तो इतना महंगा है। लेके आए हैं हसी भाव लेके आए और ये मूसा ओप्पो लेके आए। अलग अलग लेके आए थे तो इतना प्यारा मोबाइल है ना इसका मूसा का। अच्छा। बस गेम करता है, डिलीट करता है, फिर गेम करता है, फिर 2 मिनट खेलता है, फिर डिलीट करता है। नेट चलता होएगा ना एवरी टाइम। फिर कोई नई गेम करता है, फिर उसको 2 मिनट खेलता है, पसंद नहीं आती फिर डिलीट कर देता। वो कहती है वाह। वैसे अगर आज छुट्टी ना होती हमें एकेडमी ज्यादा नहीं चाहिए, हम डंडे मार के भेजना। किसने? दादा ने। हाँ तो अच्छी बात है, मैं तो जाइना की कुराने पाक की भी नहीं करवाती। वो बाय चांस ना कभी कभार हो जाए तो मैं ना स्कूल की करवाती हूँ। रेगुलर है ना, अच्छी बात है ना। मुझे तो 3 साल अवार्ड मिला था 6 से लेके 8 तक छुट्टियों का। हाँ, मैंने एक छुट्टी भी नहीं थी की। 10 से गिर स्कूल पढ़ती थी मैं। ये गवर्नमेंट अलीगढ़ है ना, इसके टीचर्स बहुत इरिटेटिंग है, बहुत ज्यादा गालियां निकालती हैं। आपको पता है मेरा तो दिल नहीं करता स्कूल जाने को। ऐसे नहीं करते इस स्कूल में जाने को, वैसे बाकी सारे स्कूल से मैं चली जाऊँ। कुछ ना टीचर्स, आपको पता फिर हर जगह पसंद के टीचर्स से नहीं मिलते। इधर ऐसा सिकड़ वो आपने ब्लड भी निकाला हुआ खारिश कर करके ना, तो थोड़ा सा ब्लड भी निकला हुआ। अच्छा कभी गौर करना, सबकी इधर ही खुशकी होती है इस जगह पे लाजमी, और कई जगह पे हो। एक इधर आगे आगे होती है, मेरी तो आगे आगे भी होती है। मेरी भी आगे आगे होती है। और कईयों की खुशकी के अंदर जुमे होती हैं। है? हाँ, खुशकी के अंदर भी जुमे पड़ जाती है। वाह,
मैंने बस अपने बाल मोटे करने हैं, मेरा जो कहता है मेरे बाल मोटे हो जाएं ताकि खुले हुए और पता तो चले खुले हुए। कुछ ऐसा बता जिससे मेरे बाल मोटे हो जाए। आप उसके वो जो आंवला नहीं है, आंवला मिलता है मेरे घर में, वो पंसारी नहीं होते जो हिकमत वगैरह के, उनसे मिल जाएगा। आंवले को मैंने नोट किया है, बड़ी चीज है आंवले को, और ये जो एलोवेरा 550 ले लें। थी ये वही शैम्पू ब्लैक वाला लगाया हूँ, इसकी खुशबू मुझे बड़ी पसंद है। कितने मजे की है, नया आया है, मैंने पहले तो नहीं देखा है। अंदर से ग्रे निकलता है। हाँ पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं मैंने, लेकिन बड़ा अच्छा शैम्पू है। जाना कभी वही कह रही, वो और लाइफ बॉय नहीं जो ग्रीन कलर का, ये दोनों कभी वो कभी वो। दाना के माशाल्लाह बाल आगे से भी सही हो गए, दाना के वो हल्दी भी है। रानी मेरी सोनी दे तेरे चुटियां बनावा ओनियां डालू। हां जी है खुशकी नहीं ये क्या हूं पुनिया और कंगी कुछ भी नहीं है। दाना करवा लो पप्पो से, आप इधर आओ ना, आपका पीछे से कपड़े गंदे, ऊपर कुछ डाला हुआ था आपने। हां जी उतने एक शर्ट है, मिनट इस टाइम सना ला दे ये भाई। हां जी वैसे आपके चैनल का नाम क्या है, है? आपके यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? असमर। क्या है? असमर। असमर असमर ये असल में वो है ना इंग्लिश नेम है। अच्छा इस वजह से डिफरेंट है। असमर चार्जर लगभग मांग रही है उन्हें, क्या हमारा तो चार्जर माशाल्लाह सुबह अल्लाह ही है। मैंने कहा रोजी इधर पता नहीं खाना खाने बैठ गई है। अभी तो मैं खाना खाने लगी थी। क्या बनाया था? टिक्का राइस। अच्छा साथ दोस्त ने आया था। और मैं हमेशा रेसिपी ट्राई करती रहती है ना? नहीं नहीं इनको सब कुछ आता है। आता है? अच्छा टीवी से सब कुछ सीख लिया उन्होंने, मसाला टीवी लगा के बैठी रहती है। अच्छा करती है, वहां से सीख लिया। आप भी छोटी छोटी इस तरह के ना रेसिपीज वो किया करो ट्राई। हाँ दादू दादू मुझे केक नहीं बनाने देती, आप रेसिपी की बात कर रही हैं जी। असी नहीं साड़ा भी नहीं आया चार्जर। आप मुझे बता रही थी ना आगे आंवला एलोवेरा और आंवला और एलोवेरा जो है ना उसको मिक्स करके ना हम वजन, एलोवेरा तो आपके घर में भी लगा होगा, कुछ भी नहीं यार एलोवेरा भी ना, वो आंवला भी ना मंगवाओ, पता नहीं अब वो एक्सपेंसिव है या क्या है मुझे उसका भी नहीं पता, लेकिन ये जो एलोवेरा है ना इसका निकाल के ना वो लिक्विड जो है वो आपने नहाने से पहले ना आधा घंटा पहले बालों में लगा लेना पेस्ट, जिस तरह की है जैसे हम ऑयलिंग करते हैं ना उस तरह नहीं, सिर्फ जड़ों में निकाल निकाल के पेस्ट, और आधे घंटे बाद आपने बाथ ले लेना। ये खाली यही लगाओगी ना इससे भी बालों की कहते हैं ग्रोथ में बड़ा ज्यादा इफेक्ट करता है ये। मुझे लंबे नहीं चाहिए बस मुझे हेल्दी चाहिए। हेल्दी अब ये है कि वो भी मतलब विरासती भी हो सकता है ना, आप में से किसी के बाल पतले होंगे उस पर चले गए होंगे, वैसे तो दादी के भी हेल्दी हैं, आपके पुपियों के भी हेल्दी, आपकी मामा के भी हेल्दी हैं। मेरे को थोड़ा थोड़ा डैंड्रफ है आपके सर में। आप बता दें आंवला और एलोवेरा बस। आंवला ना ना क्योंकि वो मैंने अभी खुद नहीं एक्सपीरियंस इसका किया, लेकिन एलोवेरा तो ये है कि इसका वो नहीं है साइड इफेक्ट मेरे हाल में नहीं है, मैंने बड़ा ज़्यादा पढ़ा, वो चाहे स्किन पे यूज़ करें खाने में यूज़ करें और इस पर करें। आंवला वैसे बेसिकली बालों के लिए है। आंवला हाँ तो वो तो आप कह रही थी आंवला शैम्पू भी यूज करें। आंवला नहीं वाटिका बाजी कह रही थी मुझे, मैं वो बायो आंवला ग्रीन कलर का होता है आपको पता है जैसे जेली टाइप ही होता है, यूज किया है छोटे होते वैसे जेली होती है कलर का होता है इतना बड़ा की है वैसे। या एक और काम करो फ्लेक्स शैम्पू है वो यूज करके देखो, मैंने वो किया हुआ। उससे क्या होता है वो, उससे बाल शायद हेल्दी हो जाए आपके। ठीक है वो व्हाइट कलर की बोतल होती है और उसमें ना ऑयल का जो कलर होता है ना उस कलर का होता है शैम्पू वो।
ठीक है मुझे निकल ही जाएगा, फिर मैं मंगवा लूंगी मुझे फ्लेक्स 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 ठीक है उसको यूज करके देखो। और अपनी आईलिंग लाजमी हफ्ते में एक दफा जो है ना वो दादो से लाजमी करवाओ या मामा से। ठीक है चंगा किता जना नहीं बाजी पानी नहीं ध्यान ना देंदे। मैं जिस दिन बाला नु आखांगी ना उस दिन फिर सारा दिन पानी देंदे रहेंगे। वैसे मिलेगा कहाँ से स्टोर से हर हर जगह से फ्लैक्स जेड़ा लसन तुसी मैनूं अजे दे के आए हो ना हजे भी पिया है और जेड़ा छिल के दे के आए सो ना और जदों मेहमान आए सानूं उहदे च पता लसन छिलण तों मैनूं जरा हुंदा है एलर्जी की करनी है मैं उदों इस्तेमाल हो जांदा सी ते आम रूटीन च आपी छिल के ना ते फिर कर लैनी सी हुण फिर जाओगे ना ते मैनूं छिल के जरा दे आया ਚਿਲਿਆ ਜਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਟਾਫਟ ਤੇਰਾ ਵੀ 2.5 ਕਿਲੋ ਤੇ ਸਾਰੀਆ ਦਾ ਵੀ 2.5 ਕਿਲੋ ਤੇ ਸਵੇਰਾ ਦਾ ਪੂਰੇ ਕੋਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਪਏ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਣ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਿਆ ਸੀ 2.5 ਕਿਲੋ ਤੇਰਾ 2.5 ਸਾਰੀਆ ਦਾ 2.5 ਸਵੇਰਾ ਹੋਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਤੇ 450 ਰੁਪਏ ਦੀ 400 ਤਾਂ 200 ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਫਾਰਮੀ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਲੋ ਲਿਆ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਦੂਬਰਾ ਆ ਲਿਆ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਆ ਕੋ ਬੁਖਾਰ ਚੜਾ ਹੋਇਆ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਜਸੋ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਉਂਝ ਹੱਥ ਫੁੱਲੇ ਨਿਕਲੇ ਜ਼ਾਇਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਸ਼ਰਟ ਨਿਕਾਲੇ ਸ਼ੇਮੀ ਸ਼ੇਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਾਇਨਾ ਜ਼ਾਇਨਾ ਸ਼ੇਮੀ ਸ਼ੇਮੀ ਸ਼ਰਟ ਨਿਕਾਲੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਅਭੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੈ मुझे लगा कि आप गायब हो गए अच्छा वाह बड़ी मशबत मैं किसे मिलती मुझे ये भी बता दे फिर मामा जैसे भी और बाबा जैसे भी दोनों जैसे आपकी दादो वैसे कहती हैं आप सारा की एक पुप्पो है उन पे लगती है ये मुझे मतलब कि मैं तीन लोगों जैसी हूँ तीन लोगों को मिला के मैं बनती हूँ अच्छा फिर मैं खुद जैसी होंगी नहीं बाजी एडियां सोनिया गला बड़ी तेज है आप मलापड़ी भी बड़ी है मैं नहीं हूँ ना मलापड़ी रोजी मुड़ी है ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਪੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵਾਪੀ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਦੱਸਰ ਦੀ ਜੱਫੇ ਮਾਰ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਫੇਰ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਫੇਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਜੱਫੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਿਨਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਛੱਡਦਾ ਜੱਫੇ ਮਾਰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾਤੀ ਹੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਿਨਾ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਛਲਾਂਗੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਪਿਆਰ ਹੋਗਾ ਨਾ ਉਸਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਬੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੋ ਹਮੇ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮੇ ਸਭੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਕੋ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਆਕਾ ਚਾਹ ਜੀ ਜਾਓ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ
बाजी ने सलमान भाई दे नाल आई जांदे गड्डी अल्लाह इन्हां दा हाथ सुखा करे ना गड्डी ली ना गड्डी ते फिर आसानी हो जांदी है अंकल सलमान ने फिर आज सर्दियां च बड़ा मसला होंदा अज ठंड च निकलन दा स्कूटर ते मेरे मिठू को ठंड नहीं लग रही ठंड नहीं लग रही नहीं लग रही तुसी भी काट दो ये रोजिया पासे भी बोलो जरा पंजाबी है ठीक ने रोजिया पता डे की लग दे ने आप ही लग दे ने तुसी उनादे चाचू लग दे हो रोजिया भी के तेनू मेनू कर दी फोन ते लगी सी परसों नाया ठीक हो जो टोपी पा के खड़िया टुट जांदी उहनां दे नाल राती मां पे सो सो ही जांदी है आपकी मामा कह रही थी मुझसे को कि हम मुझे हमारे घर नहीं था उनको मुंह नहीं लगाते तो आपकी मामा आपके पापा को लेकर दूर चली गई हमसे हम आपसे इकट्ठी कर आंदा काम बब्बू हम तो इधर ही नहीं आपकी अम्मी आप ले गया बच्चियां में तो नहीं ना ये चीजें सुन रही हैं ये ऊंचा वाला क्यों आया था आपके जैसे कहते हैं मम्मी लोग के आना मगर हम मिला हमसे आके आके वो मिल नहीं आया था एक रोजी शलवार ते एक सामने आ दी नहीं एक मामा की है पिंक वाली दादो की पर्पल वाली मामा की वैसे मैं कह रही हूं वो सूट मुझे बहुत पसंद आ रहा दादो वो पर्पल वाला मामा का तो मामा के रहने दो ना कर लो मैं तो ना तो मैं सीना ही नहीं हां ये आवे नहीं सीना बाजू ने ले के तो बंदा पैड़ा लगता है मैं पता कुछ लिंग का सब सी देने तेरा तुसी तो पिंक कलर शलवार पांदे नहीं आपने मुझे एक सूट बना के दिया एक सूट भी नहीं आपने अभी तक बना के दिया वो जो दो दादो ने ले दादो अक्षर वाले ने वो बनाए तो है ना तीन सूट इस बार आपने सर्दियों बनाया मैंने अभी तक एक भी नहीं बनाया एक बना के तो दिया कब बना के दिया अभी मगर रात को कटा है वो भी कटा है ना आपने बनाया तो नहीं मुझे दिखा रही थी मैं दिखा रही थी क्या रोजी का सूट कब शर्म होनी चाहिए दो हजार का सूट दे दे फिर नहीं शर्माई वो क्या दादो वो जो हजार रुपए के पर्दे लेके दिए वो
ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਰਾਫ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜੇ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅਬ ਕਰਨੇ ਛੋੜ ਦੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਫੁੱਫੀ 2000 ਦੇਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ੀਏ 4 ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਪ 2000 ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਜੋ 16 ਨਿਕਲਿਆ ਸਭ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਜੇ ਖਰਚ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ੀ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਗਾਣਾ ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਨੂ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਨੂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਪਕੜਾ ਹੋਗਾ ਸਿਕਰੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਆ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਕੀ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਕਾ ਨਾਕ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਰੋ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ ਨਾਕ ਕੀ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤ ਸਾਰੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਬਾਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਕ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਤਿੱਖਾ ਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਤੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨੇ ਬਾਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਕਰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਲੀ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ